नमस्कार, मैं ओजस गुप्ता, प्राइम न्यूज़ 24 में। खबर गोंडा के उमरी बेगम से है, जहां जनपद गोंडा के थाना बजीरगंज के अंतर्गत निवासी दुर्गेश सिंह ने बीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। दुर्गेश सिंह का आरोप है कि उसके गांव के निवासी बीपी सिंह ने भेला फुसलाकर उसकी पत्नी को अपने चंगुल में फंसा लिया तथा उसके साथ अवैध संबंध बना रहा है। जब पीड़ित ने इसकी शिकायत 31 अगस्त 2019 को थाना बजीरगंज में की तो पुलिस द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित के 2 मासूम बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में हो गया है। वह पीड़ित को मानसिक व शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। देवी पाटन मंडल जनपद गोंडा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दुर्गेश सिंह। दुर्गेश सिंह किस बोलिए? दुर्गेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? थाना कौन सा है? जीर। जिला? गोंडा। क्या दिक्कत है आपको? मलकिन से मेरे विजय पाल बतवाते हैं, गलत संबंध करते हैं। कब से? हो गए 4-5 साल। ऐसी शिकायत आपने किया कहीं? हाँ, थाने करा था। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। उससे क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत, लड़के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, खाना पीना नहीं मिला, लड़के रो रहे हैं, गा रहे हैं। तो थाने में शिकायत क्या कार्रवाई? उच्च अधिकारी में शिकायत किया आपने? हाँ, मतलब उच्च अधिकारियों में शिकायत आपने किया? हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो इस अवैध संबंध से आपका क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है। क्या हुआ? लड़के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं सर। लड़के के बच्चे हैं? 2। कितना उम्र के? 7 साल और 5 साल। 7 साल और 5 साल। क्या नाम बच्चों का? प्रिंसु हिमांशु। आपके पत्नी का क्या नाम था? बेबी सिंह। ससुराल कहाँ, शादी कहाँ हुई थी आपकी? चांदनी चौक बाजार। किस सन में हुई थी? 2011 में। हिंदू रीति रिवाज अनुसार? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी आपकी हुई थी। हाँ। तो इसमें अभी आप तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई न्याय नहीं मिला। नहीं। बच्चा यही है आपका? हाँ। क्या नाम है बेटा? हाँ? पापा तुम्हारे क्या नाम है? दुर्गेश। क्या नाम है पापा की आपके? दुर्गेश। और तुम्हारे भाई क्या नाम है? भाई क्या नाम है आपके? भाई का क्या नाम है? बच्चे को क्या नाम है तुम्हारे? इनके भाई का नाम है हिमांशु। इसलिए क्या दिक्कत है बच्चों को? बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है। और क्या दिक्कत है? रो रहे हैं, कपड़ा लत्ता नहीं छाड़ जा रहा है, पढ़ने लिखने नहीं जा रहा है, मम्मी उन्हें चिल्लाते हैं। मतलब इससे जो है संतुलन दिमागी सही नहीं रहता है। आप क्या चाहते हो इसके बारे में? न्याय चाहते। न्याय किस प्रकार का न्याय चाहते हो?